हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और घर पे जहाँ भी होंगे आप इस वीडियो को देख के कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं आप सभी को कुछ अच्छा चीज़ बताना चाहता हूँ। SSC CGL नोटिफिकेशन जब आउट हुआ तब काफ़ी लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि सर आपने तो एक बार SSC CHSL को क्वालिफाई किया है और इस बार CGL अगर हम देखें तो देखो एक चीज़ है ना, जब नोटिफिकेशन आता है तब मैंने देखा है कि सारे एग्ज़ाम्स एक साथ आ जाते हैं, SBI क्लर्क, SBI PO, SSC CGL, IBPS PO, IBPS क्लर्क, IPS RRB PO, IPS RRB क्लर्क, तो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं लगभग लगभग एक आध महीने के फासले में आपको सारे एग्जामिनेशंस दिख जाएगा। दिक्कत अब यहाँ पे होता है कि एक इंसान एक प्रीलिम्स लिखने के बाद दूसरे मेंस की तैयारी करता है और दूसरा मेंस ख़त्म ही नहीं हुआ होगा कि तीसरा एक मेंस स्टार्ट हो गया होगा, तीसरा एक प्रीलिम्स स्टार्ट हो गया होगा। अच्छी बात भी है कि एक फ्लो में आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं अगर वो 10 एग्ज़ाम से तो कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो काफ़ी लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे सर कि SSC CGL इस बार ना बड़ा अट्रैक्टिव सिलेबस लेके आया है और इस तरीके का सिलेबस है कि Tier 1 का मार्क्स काउंट नहीं होगा, Tier 2 में अगर आप लगभग 35 पोस्ट है, SSC CGL की बात कर रहा हूँ, 3 पोस्ट ऐसे हैं JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और AAO के 2 अलग अलग आते हैं, एक ऑडिट आता है, तो वो जो 3 पोस्ट हैं उनको छोड़ के अगर आप 32 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो फिर आपको Tier 2 का पहला ही शिफ्ट को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर वही आपका सबसे मेन एग्ज़ाम है और आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सिलेबस है इस बार और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा है उन सभी लोगों के लिए भी जो बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। देखो अगर कोई बोल दे रहा है ना कि आप छोड़ दो इस एग्जामिनेशन को, ये है, तो वो शायद ना वो इन डेप्थ नहीं देखा है सिलेबस किस तरीके का यहाँ पे पूछा गया है। सवाल ये नहीं है कि आप बैंकिंग एस्पायरेंट हो आपको इसलिए SSC CGL नहीं डालना चाहिए। भैया मैंने भी तो बैंकिंग एस्पायरेंट मैं भी तो था, SSC CHSL उस टाइम पे तो अलग ही लेवल हुआ करता था, तब भी तो मैंने क्वालिफाई किया। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है दोस्तों कि अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हैं तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो क्या? अगर हाँ तो फिर आप CGL डालो। ये सवाल को आप इसके साथ कन्फ्यूजन में मत डालो कि सिलेबस अलग है वो है। आप इस बार के सिलेबस देखो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी हिसाब से दोस्तों मेरा कहना है कि सिलेबस ठीक है, बैंकिंग एस्पायरेंट है, मेहनत करने वाले हम लोग बंदे हैं, हम कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आप क्या तैयार हो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए। अगर हाँ तो बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन अभी जो आपके एग्जाम्स हैं उस पर थोड़ा फोकस रहिए, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी इफ़ यू आर टोटली इन टू द बैंकिंग कि आपको बस बैंकिंग बैंकर ही बनना है तो आपकी प्रायोरिटी बैंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इस एग्जामिनेशन को डाल सकते हो एक बार देखने के लिए कि चलो किस तरीके का एग्जाम होगा, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, या आप प्रायोरिटी इसको डाल के बैंकिंग को आप एक बार इसको इसलिए डाल सकते हो ताकि आप जानना चाहते हो कि इस एग्जामिनेशन में क्या ऐसा चीज़ रहता है कि जो हम भागते रहते हैं ना, तो वो सवाल है। खैर मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्ट बुक का आप ईयरली पास ले लो, ठीक है। आप मेरा कूपन कोड लगाओगे SFY, बस SFY ही लगा देना, आपको एक्स्ट्रा और 10% ऑफ मिल जाएगा, जो भी प्राइस उनका चल रहा है एक्स्ट्रा और 10% ऑफ मिल जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि उनका जो ईयरली पास है सारे एग्जाम्स आपको कवर हो जाएंगे वहाँ पे, SSC बैंक सारी चीज़ें, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, सारी चीज़ें एक जगह पे होगा तो अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये टेस्ट बुक का ईयरली पास रिकमेंड कर रहा हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूँ। बाकी आपके ऊपर रहा कि अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए तैयार हो तो फिर यू आर मोस्ट वेलकम, आप इस एग्जामिनेशन को डाल सकते हो। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा और नेक्स्ट वाले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शब्बा खेल लो, अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।